अल्लाह गारत करे। वेरी नाइस। मुंह बंद करो अपना। हाँ बस ठीक है, जितना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना उसके बाद तुम्हें कुछ कहना भी मुझे अजीब लग रहा है। हाँ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमें सब कुछ पहले से ही मालूम है। मैं मरियम अक्षा, 2 अगस्त 2017 तारीख तकरीबन रात के 10 बजे हमारा एक्सीडेंट बेकॉस के करीब हुआ। अरे इतना अच्छा लग रहा था सुन के, बंद क्यों कर दिया तुमने? हाँ बताओ क्यों बंद कर दिया? बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम तुम्हारा राज सामने ला रही है। मुझे तो लगता था तुम्हारा राज हमेशा छुपा के रखेगी वो। मैं ये वीडियो जरूर देखूंगा लेकिन तुम दोनों के सामने तो हरगिज नहीं, और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, समझ आई? इस वक्त तुम हमें धमकाने की पोजीशन में नहीं हो रोहन। मुंह बंद रखूंगी लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम मेरे बाबा के खिलाफ केस लड़ोगे वरना मैं बता दूंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ाने के लिए। उसकी दीवारें तुम्हें खा जाएंगी रोहन, और फिर एक दिन उसी जेल में खुद को फंदा लगाकर मर जाओगे। तुम्हारे जाने का किसी को भी दुख नहीं होगा। अब इस घर से फौरन दफा हो जाओ। इसे हिसाब देना पड़ेगा, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। हाँ बोलो। तुमने प्रोसिक्यूटर को कॉल क्यों की थी? तुम्हें कैसे पता? कॉल क्यों की थी? क्या तुम महविश के घर पर थे? मैंने तुमसे कहा भी था कि इस मामले को जाने मत देना, मैं पता लगा लूंगा कि उस आदमी का तुमसे क्या लेना देना है। बताओ मरियम कि तुमने उसे कॉल क्यों की थी, क्या बताना चाहती थी तुम उसे? उसे बताना चाहती थी कि आइंदा अगर उसने तुम्हें छुआ तो क्या होगा। शाविस, वादा है तुम्हें आज के बाद किसी ऐसे शख्स को कॉल नहीं करनी पड़ेगी जिसे तुम पसंद नहीं करती। मुझे देखते रहोगे क्या? मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। मैं चली जाऊंगी अभी, बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा ना ठीक है, इतने अरसे बाद हम लोग इस तरह बैठे हैं, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। रमेश बिल बता दो जरा मुझे। अच्छा ठीक है खा रहा हूँ। देखा मेरे आगे तुम्हारी ट्रेनिंग बेकार है। मेरे हिसाब में लिख देना ये। जी ठीक है। तुम्हें फिर भी टाइम लगेगा, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तुम। ये भी शुक्रिया। ठंड काफी बढ़नी गई है? इतनी भी नहीं, ये बहाना भी नहीं चल पाया। चाहते क्या हो आखिर तुम? बतूल मेरा वो तुम्हें गले लगाने का दिल कर रहा है। क्या कहा तुमने? अच्छा सॉरी यार, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मेरी बात तो समझो यार। खैर मुझे कहना नहीं चाहिए था, कर ही देना चाहिए था। दूसरा ये कि तुम्हें तो नवंबर में भी सर्दी नहीं लगती, अजीब। हाँ नहीं लगती, तुम्हारे गले लगाने से पहले बाहर आ जाएगी, इतनी कोशिश भी मत करो। सर्दी लगती ही नहीं है। ओह खुदाया, तीसरी बात कुछ ख्याल तो कर लिया करो। और चौथी ये भी नोट कर लो, मुझे सर्दी में घर पर रहना पसंद है, वो भी बिल्कुल अकेले। अच्छा। चौथी आखिरी बात है। अब क्या बात है? मैंने तुम्हारी सारी बातें नोट कर ली, अगर मजीद बातें ऐड ना करो। और मैं तुम्हारा और इंतजार करना नहीं चाहता हूँ, जो पहले कहा था ना, अब के मैं कहूंगा नहीं,
बल्कि करूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। तो क्या हुआ जान लूंगा यार, रोक तो लेते फिर उसे। भाई ये पूछो कर क्या रहे हो? फिरोज भाई क्या करूं यार, बतूल से मिलके लग रहा है बिल्कुल ही पागल हो गया मैं। अच्छा बात सुनो मेरी। नहीं नहीं भाई, इस बार तुम मेरी बात सुनोगे। तुम्हें पता है मैं बतूल के बहुत करीब था। तो फिर क्या हुआ भाई? इस बार सिग्नल फुल ग्रीन है, थोड़े दिनों में बहुत अच्छी न्यूज दूंगा। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो यकीन करो आज हम दोनों के लिए बहुत लकी दिन था। क्या मतलब? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? प्रोसिक्यूटर का फोन मिल गया है। भाई उस काम क्या करेंगे, रिपोर्ट कराएंगे उसकी? अभी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा शायद। अच्छा यानी आपको उसका फोन मिल गया? हाँ फोन मिल गया है। वाह वाह वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़। अब हमारे पास सब कुछ है, यानी बस उसे अनलॉक करवाना होगा। हाँ। कैस्पर को कॉल करो, उसे कहो किसी एक्सपर्ट को घर पर लेकर आए। ठीक है समझे, काम हो गया, मिलते हैं। हेलो एसन, उन्हें कहो कि मेरा फोन ट्रैक करें, हमें वो हर हाल में चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब छोड़ो, उसमें जो कुछ है उससे तुम्हें भी मसला हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मैं मसला बना दूंगा। लगता है प्रोसिक्यूटर किसी बहुत ही बड़े मसले में फंसे हो तुम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जितना कहा उतना करो, जल्दी करो एसएन। अच्छा ठीक है करता हूँ मैं। खोलो इसे, जो तुमने भेजा था मुझे यहीं पर देखना है। तुमने अभी तक देखी नहीं? खोलो इसे, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने हो जब मैं ये वीडियो देखूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने इसे खोलने में हिचकिचाऊंगी तो ऐसा नहीं। मैं मरियम अक्चा, 2 अगस्त 2017 तारीख, तकरीबन रात के 10 बजे हमारा एक्सीडेंट बेकॉस के करीब हुआ। मैं जानता था तुम यही करोगी, ये आखिरी मौका था। फिलहाल तो मैं चीफ के पास नहीं गया था, इसीलिए वो सारा इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। मैं नहीं जानती थी कि हमने किसी को मार डाला है। उसने ये देखकर तुम्हें कॉल की, इसीलिए मैं खामोश रही। आज के बाद तुम अपनी जुबान से उसका नाम भी नहीं लोगे। मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हें डर है ना कि वो ये देख लेगा? इस वक्त अपने होश हवा तुम चाहती भी हो कि उसे पता चले, लेकिन तुम्हें डर भी है इस बात बता रही हूँ कि वो तुमसे नफरत करने लगेगा, छोड़ देगा तुम्हें। उस रात एक्सीडेंट जिसने किया, मुझे ये कबूल है कि वो मुझसे नफरत करे। उस शख्स का नाम रोहान साहिन है जो अब प्रोसिक्यूटर है। वैसे इसका बैकअप कहाँ है? तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, फिर किसी और को तुम्हारा राज मालूम हो जाएगा। अब मर्जी है तुम्हारी। कुछ पाया तुमने? हाँ कंप्यूटर में है क्या? तुम इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? पहले वो मेहमत हमारे पीछे लगा हुआ था, अब तुम आ गए हो हम सबकी जिंदगियां खराब करने के लिए। कहाँ है वो मरियम? उसकी तरफ क्या देख रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो मेरी तरफ। इसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया क्योंकि ये एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। एक बार तो मैं जेल में रहकर आई हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो मरियम की खातिर दोबारा चली जाऊंगी, समझ गए तुम? तुम अगर वाकई में अच्छे आदमी होते ना तो पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेते। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन, और दोबारा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस किस्म के इंसान हो तुम? दफा हो जाओ, बेचारी की जिंदगी अजाब बना के रख दिए, तुम दफा क्यों नहीं हो जाते उसकी जिंदगी से? मैं वापस आऊंगा और देख लूंगा तुम सबको। वाकई आके तो दिखाओ, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। तुम्हें कुछ मिला क्या? चेक कर रहा है, जल्दी मिल जाएगा। जैसे ही मिले मुझे बताना, उसे क्लियर करना होगा।
कितना बेशरम आदमी है। तो सलमा वो जान चुका है कि तुम्हें पता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं। कम से कम हम तीनों रात को सुकून से सो तो सकेंगे। सलमा तुम्हारा बेटा है, उसके बारे में सोचो। मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और अपने बच्चे की भी और साथ में तुम्हारी भी, समझ गई तुम? तुम उसे जानती नहीं हो। अब तक वो मुझे नहीं जानता। क्या होगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे की तरबियत ऐसी जगह पर हो जहाँ ऐसे बुरे लोग खुलेआम फिरते हों। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं नीचे जा रही हूँ कॉफी बनाने और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। और उस शख्स के बारे में तुम मुझे तफसील से बताओगी, समझ गई तुम? और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी किसी दूसरे के घर में नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा। तुम बिल्कुल मत डरो, मेरे होते हो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। गाड़ी ले आया हूं सर, बाहर पार्क कर दी है। वाह, देखो तो हमारा शहजादा भी आ गया। क्या हुआ? तुम खुद ही देख लो भाई, सातवें आसमान पे। आ जाओ मेरे शहजादे, अब आ भी जाओ। जी आ रहा हूं मैं, एक मिनट। मुंतजिर हूं मैं। ये सब क्या है? यार ये लोग फोन को ट्रेस करके पीछा कर रहे थे, तो मैं भी इनको पूरा इस्तांबुल घुमाता फिर रहा हूं। अच्छा है, सीखते जा रहे हो तो। छोड़ो भाई, जब से बतूल मेरी जिंदगी में आई है ना, स्मार्ट होता जा रहा हूँ मैं। अब वो अलग बात है, तुमने कभी अपने भाई के इस टैलेंट को निखारने की कोशिश नहीं की। सब समझ रहा हूँ। ये फोन तुम्हारे पास अमानत है, कुछ भी हो जाए ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाई, इनको अब आप ही संभालिए, ये सब तो मुझे ही देखना पड़ेगा। चले गुड लक, आ जाओ भाई। वाह 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 वाह, जरा देखो तो शहजादे को, रात के इस पहर तुम्हारी बहन अकेली है और साहब पता नहीं किन उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं। आपकी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ है नास? तुम्हारे कारनामों की तफसील मैं बताऊं इसे या तुम खुद शुरू हो जाओगी? नास, यहाँ पर एक लड़का आया था, मतलब कि मेरा दोस्त आया था। बाबा अचानक से आ गए तो हम लोग डर गए और बाबा ने हमें देख लिया, मतलब भागते हुए। अपने बाप की हरकतों पे तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हो तुम मुझे। भाई ऐसे होते हैं क्या? बस करो नौरी बस, इसके लिए तुम रोक रही हो मुझे? ये तो मेरी ऐसी औलाद है जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो आपने इतना इंतजार मुझे ये सब कुछ सुनाने के लिए किया था? नहीं, मैं तो देखना चाहता था कि ये सब सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा हो जाता है। जरा देखो तो इसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस जैसा इंसान तो जिंदगी भर नहीं देखा मैंने। चलो बेटा अब ऊपर जाओ, जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं यहां से, जल्दी। ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। रहने दे भाई, मैं चली जाती हूँ। तुम जाना चाहती हो क्या? मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है बात खत्म, ये यहां से कहीं भी नहीं जाएगी। जरा देखो ये क्या कह रहा है, हद कर दी है इसने, अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते, बहन की क्या खाक करोगे? एक बात बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई हमारी परवरिश में जो तुम दोनों इस तरह के निकल आए हो? मेरी तो समझ से बाहर है नौरीन, हालत देखो दोनों की, लड़की गैर मर्द को बुलाती है और लड़का आवारा औरतों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। चलिए बाबा, हम यहाँ से चलते। एक मिनट क्या करेगा? छोड़ो, जाओ तुम उस तरफ और तुम यही रुको, देखते हैं अगर ये एक औरत के लिए अपने बाप पर हाथ उठाना चाहे तो उठाने दो उसे, कोई बीच में नहीं आएगा। आपने दुश्मन बना दिया। खुदा के लिए यरदाल, यरदाल में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ बस कर दो। जो आज किया कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है यरदाल, ठीक है, चलो चलो यहाँ से। बाप पर हाथ उठाने की कोशिश की ना। चले भाई अंदर चलते। बाप पर हाथ उठाएगा ये लड़का,
आज के बाद आप इसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे, सुन रहे हैं ना? बाबा बनने आए थे भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, माफ कर। बाद में बात करेंगे इस पे। लाओ अपना हाथ दिखाओ मुझे जरा। कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी खरोश है। चलो अंदर चलो नास। पर कहाँ गायब हैं लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, ये से जल्दी अनलॉक कर लेगा। ठीक है लगे रहो, काम नहीं रोकना। ये सब हमारे लिए है क्या? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। सुबह बात करेंगे, मैं भी सो रही। सुबह बात करेंगे, मैं भी सो रही। हाँ कैस्पर, कैसे जा रहे सब? बस आखिरी नंबर है, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। जल्दी कोशिश कर लो यार, मैं ड्राइवर की तरह ड्राइव किए जा रहा हूँ, पूरा इस्तांबुल खत्म हो गया। तो क्या चाह रहे हो? कहीं पे किसी ने चेकिंग वगैरह कर रोक लिया, मसला हो जाएगा। समझ में आ रहा हो ना, सेंसिटिव काम है, जल्द से जल्द खत्म करो उसे भाई। माफ कर दे मुझे, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। चुप क्यों है, कुछ तो बोले ना। ज्यादा टाइट तो नहीं है, हाथ मोड़ो जरा। ठीक है, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नाज, अगर तुम मुझे पहले ये सब कुछ बता देती तो आज ये सब नहीं होता। तुमने देखा ना बाबा ने क्या कुछ कहा हमें, और उनकी सारी बातों का मेरे पास एक भी जवाब नहीं था, खामोश खड़ा था मैं उनके सामने। माफ कर दे। लड़का कैसा है? कौन? बर्क? अच्छा लड़का है, समझदार है। जब बाबा ने उससे पूछा तो उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है, और जरा भी नहीं घबराया। अच्छी बात है, डरपोक लड़का नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहादुर। क्या वाकई में? हाँ ना। तुम उसे किसी दिन घर पे बुलाओ, उसे मिलवाओ, मुझसे भी और फिरोज से भी, ठीक है? फिर देखते हैं वो कितना बहादुर है, सच में बहादुर है या सिर्फ बातों की हद तक। क्या हुआ, नींद आ गई क्या? हो गया भाई। ये बात हुई ना मेरे दोस्त। अब क्या करें भाई? फौरन कॉपी बनाओ उसकी, कॉपी करो जल्दी। भाई आप सोए नहीं क्या? नहीं, तुम्हारा हाथ कैसा है?
हाँ ठीक है, फिरोज भाई घर नहीं आए, शायद फिर से कुछ चल रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। आप ठीक तो है ना? हाँ। क्या वाकई? अभी तो शुरुआत है बस, ये खत्म हो जाए सब फिर तो मुझे आराम से देखना। क्या फिर पुराना शाविज वापस आ जाएगा? शायद पुराना शाविज अपने किए हुए वादे पूरे कर ले फिर आ जाएगा वो भी। मुझे वो पुराने शाविज को दोबारा देखना है। हाँ फिक्र मत करो, बहुत जल्दी देख लूंगी। चलो बंदा जाओ तो। शाबाश, सर्दी लग जाएगी। शुक्र है इतना सब कुछ होने के बाद तुम पागल बिल्कुल भी नहीं हुए। एक इंसान अपने अंदर इतना कुछ कैसे छुपा के रख सकता है? अल्लाह सब्र देता है मुझे। तुम्हारा सब्र और रोहान की किस्मत, बुरे लोग हमेशा खुश किस्मत ही होते हैं और उन बुरे लोगों को अच्छे लोग ही टकरते हैं और आखिर में औरत ही बेचारी रह जाती है। पता नहीं, मैं बता ही नहीं सकी किसी को। तुम्हें पता है ऐसे ही लोग जुल्म को पैदा करते हैं। हमारा तो काम है बस खुद को अंदर से खत्म करते जाओ। मैं कभी उसे तकलीफ नहीं दे सकती, उस बेचारे का दिल नहीं दुखा सकती, तो हमारा क्या कसूर? इस तरह के लोग हमारा फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे लोग देखे हैं, लेकिन इस रूहान जैसा बिल्कुल भी नहीं। मानती हूँ मेरा शौहर भी बुरा इंसान था, लेकिन ये तो बुराई का बादशाह लगता हो जैसे। शक्ल से ही मनुष्य टपकती है उसकी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुमने वैसे भी नहीं बताया मुझे। लेकिन ये ना बताने की क्या वजह थी मरियम? डर था। तुम्हें प्रोसिक्यूटर का डर था या फिर तुम्हें किसी और का था? किसी और का मतलब ये कि अगर ये सब शावेज को पता चल जाता ना, तो तुम्हें तो पता है वो क्या करता। बता दूंगी उसे। तुम्हारी बस इसी बात का यकीन नहीं है मुझे। तुमने ही कहा था ना मुझे कि किसी को मत बताना, तो अब ऐसा क्या हो गया जो ये बात तुम उसे बताने चली? मैं तो एक अरसे से कह रही हूँ बता दो, सबको बता दो, लेकिन एक तुम ही हो। अब इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। इसे मोहब्बत कहते हैं। जिंदगी में अगर कोई अपना लगने लगता है ना, तो आप उससे कभी कुछ छुपा नहीं सकते। आराम से सोना।
तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे दूर रहने से वो महफूज रहेगा तो तुम ये बहुत गलत सोचती हो मरियम। अगर किस्मत किसी दो लोगों को मिलाना चाहे ना तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। जब एक बार प्यार हो जाए ना तो फिर आपस से मुंह नहीं मोड़ सकते। वो मिसाल तो तुमने सुनी होगी ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हाँ शायद प्यार है। अब अगर सब कुछ जानने के बाद वो मुझे छोड़ भी देता है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ पर तो हो नहीं सकती है, तो अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। सच सामने आके रहेगा। या अल्लाह, तुमने तो डरा दिया मुझे बेटा। मेरा बेटा घर आया है आज। पेटीज बनाए हैं मैंने, खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, अब अपना सामान बांधे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कहाँ? आप ऐसे यूँ नहीं घूम सकती, वो दोनों आपको ढूंढ रहे हैं। कौन कौन? हाँ अच्छा, वो औरत जो मर गई है उसके बेटे ढूंढ लेंगे मुझे। अम्मी वो, तुम फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बातें बंद करें, आपकी जान को खतरा है, चले अपना सामान बांधे। तुम्हें किसकी नजर लग गई है रोहन? पहले तुम मुझे सब कुछ बताते थे, आखिर ये क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ मुझे। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला क्या? फिक्र ना करो, प्रोसिक्यूटर मिल गया है, वो बस उसके रुकने तक का वेट कर रहा है। क्या मतलब है कि वेट कर रहे हो? कुछ भी करके मुझे वो फोन चाहिए, दिमाग खराब कर दिया मेरा। बेटा बताओ क्या हुआ है रोहन? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप प्लीज यहाँ से बाहर चली जाएं। फोन पे किससे लड़ गए अम्मी? प्लीज आप यहाँ से बाहर जाएं, अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है। कैसा जा रहा है? हाँ भाई, कैसा जा रहा है काम? 25% हो गया भाई। सुन लिया भाई, कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं भाई, अभी तक तो सब तैयारियां थे, आगे का नहीं पता, शायद रश्वश मिल सकता है। इस वक्त वैसे रश आवर है तो नहीं हो सकता, आगे कोई एक्सीडेंट हो या फिर पुलिस चौकी वगैरह। इससे बच पाओगे तुम? देखते हैं भाई, देखते हैं। भी हुआ तुम्हारा मसला नहीं, ये बताओ काम कितने परसेंट हुआ? 30%। हेलो भाई, वो यहाँ पे हर जगह पुलिस नजर आ रही है, लग नहीं रहा यहाँ से बच के निकल पाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी मसला हो तो फोन का मत सोचना और फौरन फेंक देना, समझे? भाई कुछ भी हो इसको पूरा करके रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जेल जाना पड़ेगा और क्या। फिर उस बच्चे वाली बात मत करो, ये फोन तुम्हारे पास से नहीं मिलना चाहिए, समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? अरे भाई क्या हो गया यार, बुरे से बुरा यही होगा कि बतूल से जेल में मुलाकात करनी पड़ेगी। मिलेंगे तो भाई, क्या मैंने सही सुना? ऐसा भी हो सकता है क्या? यार मजाक बाद में कर लेंगे कैस्पर, अभी सिर्फ ये बताओ काम कहाँ तक? 37%। 37%? हद होती है यार। 38 हो गया। अच्छा अब ये काम करोगे, हर 5% के बाद मुझे बताओ, ठीक है? इतना ट्रैफिक, ऐसा लग रहा है शहर में कोई मैच हो रहा है। ये लीजिए, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया, ये लो बेटा। पैसे यहाँ रख रहा हूँ बेटा मैं। जी। खुश रहो हमेशा। खुशामदीद। शाविस। एक चिड़िया ने मुझे ये खबर दी है कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद चाहिए।
यही ढूंढ रही थी। क्या मुझे एक बन मिल सकता है? कल रात तुम महविश के घर क्यों गए थे? तुम वाकई इस वक्त उस बारे में बात करना चाहती हो? 5 मिनट, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। इस दौरान मुझसे कुछ नहीं पूछना और ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, बस ऐसे ही रहो, ठीक है ना? हम दोनों बहुत थक चुके हैं। चाय? क्यों नहीं? आजकल क्या रातों में तुम मेरे घर आने लगे हो? नहीं तो? तब आऊंगा जब तुम कबूल कर लोगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम यहां ऐसी बातें करने आए हो? मैंने कोई गलत बात कह दी है क्या? शावेस। ठीक है, चुप हो गया। ये जगह बहुत सुकून वाली है और गर्म भी, अच्छी खुशबू है चीज की, थोड़ी तुम्हारी, चाय का धुआं। मतलब अगर कोई इसकी तस्वीर बनाना चाहे तो यह बहुत खूबसूरत मंजर होगा। इसके मालिक को जानती हूं मैं। बहुत जल्दी तुम देख लेना, ये सब खत्म हो जाएगा मरियम। तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहटें होंगी। अब मुझे उस मुस्कुराहट को वापस लेकर आना है और अपना बदला भी लेना है। मिला क्या? वो साइडवेज से जा रहा है तो हमने अपने बंदे वहां लगा दिया, उसे मजबूरन रुकना ही पड़ेगा। हम यहां क्यों रुके हैं भाई? चेकिंग हो रही है। तो बताएं अब क्या करना है भाई? नहीं, सब सही है, टेंशन मत लो, अपना काम करो। कितना परसेंट हुआ? 48%। कैस्पर, तुम्हें क्या हो गया? दिमाग सही है? अगर हमारे पास से बरामद हो गया ना, सब जेल में सड़े होंगे। मुझे डर लग रहा है भाई। तो ठीक है, तुम उतर जाओ, तुम कोई जबरदस्ती थोड़ी रोक रहे। आपको अकेले कैसे छोड़ दूं मैं? तो फिर चुप बैठ जाओ। हो गया क्या? 55 भाई, ये फोन फेंक देते हैं, अगर पकड़े गए तो मसला हो जाएगा। प्लीज भाई, मेरी बात को समझे। अच्छा काम करो, फोन मुझे दो, जल्दी दो, जल्दी 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 करो यार। ये ले। ओ
शुक्र है। सब कुछ यूएसबी में ट्रांसफर कर दो और उसके बाद कंप्यूटर से डिलीट कर दो, समझे? ठीक है भाई। ये ले। शैतान की शक्ल की यूएसबी? हमारे पास बस यही थी। चलो शैतान के काम शैतानी यूएसबी में। जब भी वो इस दरवाजे से दाखिल होता है तो मुझे लगता है कि वो सब जानता है। कहेगा मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे नफरत करने लगेगा, या शायद वो सब कुछ जानता है और मुझे ही मालूम नहीं। काश कि आप यहां पर होती, काश आप कहती कि वो मुझे माफ कर देगा। ये मुमकिन नहीं है, जानती हूं नहीं हो सकता ये। पता नहीं क्यों उम्मीद बाकी है मुझ में। जब तक ये दरवाजा बंद है, जब तक कि ये फोन नहीं बजता, तब तक तो उम्मीद कर सकती हूं ना। तुम चेकपोस्ट से निकल गए क्या? भाई थोड़ा सा ही रह गया है, वो कंप्यूटर से डिलीट भी कर रहा है उसको। कैस्पर की जान निकली थी इसलिए फोन भी फेंक दिया। गुड, अच्छा किया। यूएसबी मेरे पास ही है, फेंक दो उसे। क्या कहा? अगर उन्हें मिल गई तो वो अपने पास रख लेगी फिरोज। भाई अगर इसे फेंकना ही था तो इतनी ख्वारी करी क्यों रहते? फेंक दो, बाद में ढूंढ लेना। हाँ फिरोज टैकिन और शाबिर सरगुन इसी गाड़ी में। वाह भाई, अब तो हम बाकायदा इश्तिहारी हो चुके। मैं ही फिरोज टेकन, ये देखिए ऑफिसर। चलो बाहर आओ। तुम दोनों भी बाहर आओ। इनकी तलाशी लो, तुम भी मुड़ जाओ। जेब में जो कुछ है निकाल दो। रमेश सर, अगर ये तलाशी बतूल लेती है तो अच्छा नहीं था। अपने फोन्स बाहर निकालो, जिन जिन के पास मोबाइल फोन्स हैं फौरन अपने हाथ में रख लें। देखना बंद करो, निकालो निकालो जल्दी करो, सब निकालो। तुम क्या देख रहे हो, निकालो तुम भी। भाई मेरा लैपटॉप। टेंशन मत लो, इससे बेहतर वाला दिला दूंगा। इनमें से कोई फोन वो वाला नहीं है। जाओ गाड़ी चेक करो। फिरोज टैकिन को ढूंढ लिया लेकिन उसके साथ दो आदमी और भी हैं। और वो फोन? वो शायद उन्होंने फेंक दिया है। तुम्हें उनके पास से कुछ नहीं मिला? नहीं, उसका सारा डाटा उन्होंने अपने पास सेव कर लिया। उनका लैपटॉप कब्जे में ले लिया हमने। गुड, अब इन तीनों का क्या करना है? अरेस्ट तो उन्हें कर नहीं सकते क्योंकि कुछ मिला नहीं उनके पास से। देखते हैं लैपटॉप में कुछ मिला तो बुला लेंगे उन्हें दोबारा। ठीक है,
जी जनाब, हमारे लिए क्या हुक्म है? लैपटॉप हमारे पास रहेगा, तुम लोग जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा फोन्स वगैरह मिलेंगे? दे दो, अपना ख्याल रखिएगा। अब उनकी तलाशी शुरू करो, आने दो, जल्दी करो। अल्लाह का शुक्र है सब सही रहा। बस अब टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना। अरे परेशान नहीं हो, भाई की पुलिस ऑफिसर गर्लफ्रेंड है। यहाँ आ जाओ सब। ओ, ये वो। ओ, अब तुम ठीक लग रहे हो। यहाँ रात में दोबारा आ जाना, फिर से पी लेना, ठीक है? हाँ, जानवरों से बहुत लगाव है तुम्हें। खुशामदीद। कुछ हुआ है क्या? पुलिस होने में यही बुराई, लोग हमें देखकर पहले डर जाते हैं, लगता है कि हम कोई बुरी खबर ही लेकर आए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी मसलों में फंसी रहती है, इसीलिए आ जाओ बैठते हैं। मैं जल्दी में हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी। मेरे बाबा कहते थे जब हम अपनों से कुछ छुपाते हैं तो हमारी आंखें बोलती हैं। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगी लेकिन तुम नहीं बताओगी, ऐसा ही है ना? फेरोज के बारे में। उसके बारे में क्या? तुम जानती हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। वो अच्छा है, मैं बुरी हूँ, तुम भी अच्छी हो और तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। अगर जिंदगी आसान होती तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। वो तुमसे मोहब्बत करता है। काश कि वो ना करता मोहब्बत। उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती मैं। उसकी मोहब्बत का तरीका अलग है, उसे लगता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तुम में से कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम तुम्हारे दिल को तो जानते हैं, यही काफी है हमारे लिए। बस इतना ही याद रखना, याद रखना पड़ेगा, वरना वो मेरे माजी को खंगालेगा और खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। ये नहीं हो सकता बिल्कुल। तुम उसे चाहती हो ना? अदरवाइज तुम यूं नहीं डरती। शावेज को बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, उसके बाद शायद वो मेरी शक्ल भी नहीं देखे, शायद मुझसे नफरत करने लगे। मुझे नहीं लगता कि शावेज तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने के लिए तैयार होगा। जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तो तुम भी यही कहोगी कि मैंने गलत किया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले सच्चाई का शावेज को पता चले, क्योंकि उसका हक है। वो तुमसे हमेशा प्यार करता रहेगा मरियम, ये नामुमकिन सी बात है, मगर तुम्हारे मामले में नहीं। तुमसे बहुत गलतियां हुई होंगी, मेरा भी यही हाल है,